मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर फंसे हुए लोगों के लिए राज्य सरकार ने ई पास आवेदन की व्यवस्था की है, ताकि सक्षम लोग अपनी मदद से अपने घर पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने आपकी स्क्रीन पर चल रही एक वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद उसमें बिंदुवार तमाम प्रकार की जानकारियां पूछी जाएंगी, जिसमें आप सही सही जानकारी भर के ई पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। ई पास के लिए कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश के स्टेट कंट्रोल रूम प्रभारी अपर मुख्य सचिव ICP केशरी ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और SP के लिए संशोधित आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक देश के अन्य हॉटस्पॉट वाले जिलों से प्रदेश में आने के लिए आगामी आदेश तक कोई भी पास जारी नहीं किए जाएं। ई पास को प्रदेश में आने या प्रदेश से बाहर जाने के लिए स्वयं के वाहन और साधन होने पर ही पास जारी किया जाएगा। कुछ ऐसी भी शिकायतें सामने आ रही हैं कि अभिभावक अपने अपने दूसरे प्रदेशों में फंसे बच्चों को लाना चाहते हैं और उन्हें फिर से प्रदेश में वापस लाना चाहते हैं। इस प्रकार के मामलों में आने और जाने का एक साथ पास जारी किया जा सकेगा। सॉफ्टवेयर में इसका प्रावधान है। प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में कार्य हेतु जाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूरों के आवेदन के आधार पर पास जारी किया जा सकता है।